पूर्व पक्ष आरंभ होता है विचार आरंभ करने जा रहे हैं ना, यदि विचार श्याम यथा बुद्धि सामर्थ्यम विचार श्याम, विचार आरंभ करते हैं तो पहले पूर्व पक्ष बोलता है देखिए यावज्जीव श्रुत्यादि वाक्यानाम अन्यार्थ असंभवात क्रियावसान एव वेदार्थ, संपूर्ण वेद में केवल क्रिया ही है, कर्म कांड ही है, ज्ञान वगैरह का कोई चर्चा ही नहीं, अवसर ही नहीं चर्चा का, और यदि है भी आदमी के पास अवसर नहीं ना तो क्या करेगा, समय का भाव आज की भाषा ही है टाइम नहीं, हर का कोई बात करो टाइम नहीं की, तो क्यों टाइम नहीं है, जिंदगी भर कर्म कांड करना, यावत जीवित अग्निहोत्र बोल दिया, दूसरा काम ही कर नहीं सकता, वो पढ़ के पढ़ेगा कैसे, वेदांत सुनेगा कहां से, दिन रात सब कर्मकांड में लगे रहना, यावत जीव श्रुत्यादि वाक्यानाम यावत जीवेश अग्निहोत्र इत्यादि वाक्य होते हैं, इन वाक्यों को अन्य अर्थ की ओर ले जाना संभव नहीं है, अर्थात इनका संकोच करना, इनको अर्थ को जो कुछ वर्षों के लिए घटा देना, ऐसे वगैरह कर नहीं सकते आप, इसलिए क्रियावसान एव वेदार्थ कह दिया, क्रिया अनतिरिक्त एव वेदार्थ, क्रिया अनुष्ठान एव वेदार्थ इति, तम यज्ञ पात्रे दहन्ति, यहां तक मरते वक्त मरने तक जितना करना करते रहेगा, मरने के बाद भी उसकी यज्ञ पात्र आदि देख करके उसको जलाना है, जब मुर्दा को लेटाएंगे जलाने के लिए उसके एक हाथ में जो ये पात्र दो, दूसरे पात्र यहाँ रखो नियम है, यहाँ यहाँ ये सब रखना है, उसी के जो यज्ञ पात्र थे यज्ञों को इस्तेमाल करता रहा, जो उसके जूह पात्र है सारी सारी चीजों को वहां देना पड़ता है, मुर्दे के साथ रखे जलाना, अगले जन्म तक वह जाए खबर तो जो है यहाँ तक कभी तम यज्ञ पात्र दी अंत कर्म श्रवण, अंत कर्म का भी श्रवण हो रहा है, स्त्री छूटने वाला है नहीं, जरा मरी श्रवणाच्छ और जरा मरी शब्द भी प्रयोग हुआ था, लिंगाच्छ भस्मांतम शरीरमिति, लिंगाच्छ और हेतु भी है भस्मांत गं शरीरम गौ दिया, अर्थात सन्यासी का शरीर तो भस्म नहीं होता है ना, जब गाड़ दिया जाता है या तो गंगा जी में फेंक दिया जाता है या दो ऊपर पहाड़ पे छोड़ दो, गिद्ध वगैरह खा जाएंगे, जलाने का नियम नहीं, भस्मता को प्राप्त हो नहीं सकता सन्यासी का शरीर, अतः भस्मांतकम शरीर में कह करके स्थापित कर दिया, जो कोई मनुष्य जन्म रहता है उससे जब भस्म को प्राप्त होता है मतलब क्या, वह सदा कर्म कांड ही रह सकता है, कभी सन्यासी हो नहीं सकता है, सन्यास का प्रसंग खत्म, नहीं पारिव्राज्य पक्ष भस्मांत तथा शरीर से स्यात, आ गया ना, क्योंकि पारिव्राज्य पक्ष में शरीर के भस्मांत तक का बात खत्म हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगा, और कहा है भस्मांत गुम शरीरम तो कैसे आप उसको काट दोगे, इसलिए मानना पड़ेगा यावत श्रुति के आधार पर भस्मांत शरीर के आधार पर, तम यज्ञ पात्र दहंत इसके आधार पर, जरा मरे श्रवणा तो शब्द के श्रवण के आधार पर भी, इतनी पांच पांच युक्ति उसने दे दिया, अतः समस्त वेद का तात्पर्य कर्मकांड में ही है, और उसे मनुष्य को गारस्य धर्म में जाकर के कर्मकांड करने के अलावा वानप्रस्थ और सन्यास आदि की कथा बिल्कुल अर्थवाद है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, स्मृतिश्च स्मृति भी कह रही है निषेकादि श्मशानांतो मंत्रेर यस्योदितो विधि तस्य शास्त्र अधिकारो ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित, निषेक से लेकर गए मैंने गर्भ से संस्कार गर्भाधान संस्कार का नाम निषेक होता है, निषेक कहते हैं गर्भाधान संस्कार को, वहां से आरंभ करके स्मशान प्रेताग्निहोत्र तक पूरी कर्मकांड सारी जिंदगी उसकी चलनी है, जो व्यक्ति यह निर्णय ले रखा है मैं और मेरे संतान आदि आज जन्म मरण पर्यंत कर्मकांड करेंगे, वे ही लोग वेद पढ़ने के अधिकारी है, तो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं कहते, अब सन्यास की बात करो तो वेद पढ़ ही नहीं सकोगे, निषेकादि श्मशानांतो मंत्रैर यस्य उदितो विधि, मंत्रों के द्वारा जिसके प्रति यस्य पुंस विधियति विधिपत्ति अष्टाचत्वारिंशत् संस्कारा, 48 संस्कारों से संपन्न होने का जो ठेका ले लिया है, हाँ तस्यैव अस्मिन् शास्त्रे,
उसी पुरुष के लिए कहा गया वह वेद अस्मिन् शास्त्र में असन वेदाध्ययने शास्त्र से तात्पर्य स्वाध्याय उस पर विचार है, इसलिए उस शास्त्र में उसी के अधिकार माननी चाहिए, नान्यस्य कस्यचित् अन्य किसी को कोई अधिकार नहीं। इसके आधार पर भी बताओ संन्यास की गुंजाइश कहाँ रह गया, इसे जो सब वानप्रस्थ में जाते और संन्यास जाते हैं सब वेद मार्ग से भ्रष्ट है, पूर्व पक्ष के हिसाब से चल रहा है। अभी समंत्र कमी यद कर्म वेदनीय विजेते तस्य स्मशानांतता दर्शित स्मृति, वही बता रहे उसी स्मृति की व्याख्या संक्षेप में। समंत्र कम ही यत कर्म, यत कर्म ने यस्य कर्म इति यत कर्म समास कर देना, यस्य कर्म इति यत कर्म समस्त पर है, तथा च तस्य कर्म इति तत्कर्म आगे लेना पड़ेगा, तस्य में है ना, तस्य का व्यर्थ तत्कर्म, तस्य इत्यस्य कर्मिणा स्मशानांत ताम दर्शयति, स्मशान घर पहुंचने के काल पर्यंत भी निरंतर सो कर्म करते ही रहना चाहिए, यह बात स्मृति दर्शा रही है। इसलिए अधिकार अभाव प्रदर्शनाच अत्यंतमेव, अधिकार अभाव क्या है, नान्यस्य कस्यचित् अंत बोला ना, नान्यस्य कस्यचित् इसके द्वारा अधिकार का अभाव बदन गया, कर्महीन व्यक्ति को श्रुति में कोई अधिकारी नहीं बोल दिया, जो कर्म नहीं करना चाहता है कर्महीन व्यक्ति है जो, उस व्यक्ति तस्य कर्महीनस्य अधिकाराभाव प्रदर्शनात् कर्महीन व्यक्ति को श्रुति में ही अधिकार समाप्त कर दिया, श्रुति अधिकार अभाव अकर्मिनो गम्यते, इसलिए आज अधिकार अभाव का प्रदर्शन के माध्यम से अकर्मी को अत्यंतम एव श्रुति अधिकार अभाव गम्यते, जिसने जो कर्म नहीं करना चाहता है ऐसे जो अकर्मी है उसके लिए श्रुति में ही अधिकार नहीं है, तो उपनिषदों में कहां अधिकार आ जाएगा। अग्नि द्वासन अपवादाच्छ, और पहले यदि कोई मरने से पहले अग्नि को उद्वास कर देता है तो उसका निंदा भी किया, कहा वीरहा वा एश देवानाम यो अग्निम उद्वासयते, यो अग्नि उद्वास थे जो मरण से पहले अग्नि को उच्छेद कर डालता है और यज्ञ कर्म करना त्याग देता है वह व्यक्ति वीर रहा, वो इंद्र का भी हत्यारा समझना चाहिए उसको, वीर शब्द इंद्र में रूढ़ है, वीर रहा एश देवा नाम देवताओं का अंदर जो श्रेष्ठ पुरुषा वीर इंद्र है उसका हत्यारा है समझो, ऐसा उसका निंदा की अग्नि को उद्वास का, अर्थात मरण पर्यंत अग्नि की रक्षा करनी चाहिए और कर्मकांड करते रहना चाहिए गुंजाइश ही ज्ञान के लिए। इति सिद्धांत कहते हैं महाराज यदि आप कर्मकांड की विधियों को देखकर इतनी बात बोल रहे हो तो सन्यास विधि का क्या होगा, विथाय भिक्षाचर्यम चरंती, उस वाक्य का क्या करोगे, वो भी तो तुम्हारी ही वेद का है, वह हमारे अलग है क्या वेद, जिस वेद के आप इन मंत्रों को दिखा रहे हो यावत जीवित इत्यादि इत्यादि उसी वेद में यह भी लिखा हुआ, इसका क्या करोगे आप, कहते हो दे देंगे ना लंगड़े रूले हैं श्रुति अनधिकारी लोग, ना उनके लिए है वो सब संन्यास वगैरह वानप्रस्थ वगैरह, विधानादि विधानात वैकल्पिकम क्रियावसानत्व वेदार्थस्य, वेद का अर्थ क्रियावसान है ऐसा मत कहो वैकल्पिक करो इसको, क्योंकि विधानादि का भी विधान है, पूर्व पक्ष कहते न, यहाँ पर अभी जो बीच जो बोलेंगे ना ननु से वो सिद्धांत ही बोलेगा, निषेध करके जो जवाब दे रहे वो पूर्व पक्ष, हमेशा कहते हैं ना पूर्व पक्ष वाले बोलते वहां सिद्धांत, यहाँ तो पूर्व पक्ष वाले बोल दिया, अब जो जो बीच में आक्षेप उठेगा वो सिद्धांत ही आक्षेप डालेगा, पूर्व पक्ष जवाब देते जाएगा, मुख्य सिद्धांत बाद में आगे बताऊंगा। अन्य अर्थत्वात् वित्थानादि श्रुति नाम, पूर्व पक्ष साफ कह देता है वित्थान श्रुतियों का तात्पर्य दूसरा ही है, उसके विधि में तात्पर्य नहीं, संन्यास का विधि में हम तात्पर्य ही नहीं मानते, वो अन्य अर्थत्वात् कर्म अनधिकृत विषयत्व इत्यादि, अन्य अर्थत्व का मतलब क्या, जो कर्म कांड करने में अधिकृत नहीं है ऐसे लोगों के लिए वो बात आई हुई है समझ लो, क्यों, क्योंकि यावज्जम अग्निहोत्र जो होती यावज्जम दशमरमासाभ्यम श्रुति नाम जीवन मात्र निमित्त, ये जीवन मात्र निमित्त इसके प्रति, इन कर्मों का अधिकारी कौन ये पूछा जाए, नित्य अग्निहोत्र का नित्य दशमरमास का अधिकारी कौन है, जिसका जीने की इच्छा है, जो व्यक्ति
जीवन जीवित रहना चाहता है, जीवन ही उसका निमित्त है। जिसका जीवन है उसको कर्म करना पड़ेगा। हाँ, जीवन खत्म करना चाहो तो कर्म को त्याग दो, कोई बात नहीं, मरना चाहेगा तो कहने का। इसे पूर्व पक्ष कहना है इत्यादि श्रुतियों के आधार पर जीवन मात्र इन नित्य कर्मों का निमित्त, यदा न शक्य थे अन्यर्थता कल्पयितुम तदा वित्थानादि वाक्यानां कर्म अनधिकृत विषत्व संभवात्। इसलिए जिसलिए इनकी तो अन्यर्थता कल्पना करना संभव नहीं है, यदा एषां वाक्यानां श्रुतीनां अन्यर्थता कल्पयितुम न शक्यते, इन कर्मकांड परक वाक्यों का अन्यर्थकता ले जाना असंभव है, किंतु वित्थानादि वाक्यों का अन्यर्थ लेना संभव है। क्यों? वहां पर यावत जीवित उत्थान ये तो बोला नहीं, वहां पर वहां यावत जीवन रूप निमित्त है ही नहीं, वहां कोई निमित्त कथन नहीं है। इसलिए ये लूंगा जिसको इसमें अधिकार नहीं वो वहां ऐसा अर्थ संकोच किया जा सकता है। वैसे कहते हैं यदा न शक्यते अन्य अर्थ कल्पयितुम केशान एवं आदि नाम श्रुति नाम जन्म मात्र निमित्तत्वात् पूर्वार्वे, जब आप ये निर्णय स्वीकार कर लेते हो कि ये जो श्रुतियां हैं यावत जीव श्रुति उनका अन्यर्थता घटाना संभव नहीं है, तब मैं कहता हूं वित्थानादि वाक्यानां कर्म अनधिकृत विषत्व संभवात्। तब ये हम समझा रहे हैं आपको कि वित्थानादि वाक्य में ऐसे कोई बांधने वाला शब्द नहीं है, अतः उसको हम किसको ले जाएंगे, कर्म में जो अनधिकृत पुरुष लोग हैं उनका वो विषय मान लूंगा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवयच्छतगुण समाः इति मंत्रवर्णा तथा एतद्वै जरामरियम सूत्रम यदग्निहोत्रम जरया वाहि एव अस्मात्मुच्यते मृत्युना वा इति। ये भी कहा एतद्वै सूत्रम जरामरियम वा, यह जो यज्ञ कौन सा यज्ञ अग्निहोत्रम, जो अग्निहोत्र नामक कर्म है ये जरामरिय कर्म है, अर्थात जब तक बुढ़ापा बिल्कुल आवे और आपके हाथ में जो है ना जूह यूं यूं हिलने लग जाए, स्वाहाकर से पहले घी गिरने लग जाए, तब कर्म छोड़ सकते हो, असल कर्म नहीं छोड़ सकते। जब तक स्वाहा करके पूरा ध्यान पूर्व होने तक पकड़ करके अब ठीक से डाल सकोगे तब तक कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसी बुढ़ापा आ जाए तो हाथ थर सब कंपने लग जाए और कुछ ना होवे तब छोड़ो कर्म, या मौत आ जाए, दो ही रास्ता है बोलता है। जरया वा ही एव अस्मात् एतस्मात् मुच्यते, बुढ़ापे के कारण से ही वह इस अग्निहोत्र कर्म से मुक्ति पा सकता है, ऐसा भूत है कर्म पीछा पड़ जाता है, मृत्यु ना हुआ आज मृत्यु से ही उसकी जो मुक्ति पाएगा कर्म से पिंड छोड़ेगा उसका। इति च जरा मृत्यु भ्याम अन्यत्र कर्म वियोग छिद्र असंभव, जरा और मृत्यु इन दोनों में से भिन्न कोई तीसरा निमित्त नहीं है, इन दोनों से अलग कोई तीसरा कोई छिद्र कर्म योग का निमित्त मिलता नहीं है। इसलिए कर्मिणां श्मशानां तत्त्वं च न वैकल्पिकम्, इसलिए कर्मियों को स्मशान काल पर्यंत कर्मकांड करना ही चाहिए, इस विषय में तो कोई विकल्प हो नहीं सकता। काण कुब्जादयोपि कर्मणि अनधिकृताः अनुग्राह्या, श्रुति जो है उन पर कृपा करनी चाहिए, मान रही किन पर, जो काणे हैं, कुब्जा है, जो मैंने कुबड़ा है ना पिटपुट में हो जाते यूं हो जाते हैं, वो कुबड़ों के लिए है संन्यास, और काणा है क्या करे, आज आरक्षण करनी है तो कैसे करेगा, यूं करना पड़ेगा उसको, एक आंख रहेगा ना, एक ही आंख से देखेगा, कौवा जैसे देखेगा, और निषेध है क्या करे, तो वो कर्मानधिकारी हो गया वो। तो इस तरह से काणे कोपचे लंगड़े लूले सब जो होते हैं अनधिकृता बहरे हैं, है ना, क्या सुने श्रुति नहीं प्राप्त कर सकता गुरु के मुख से, इसलिए कहते अनधिकृता अनुग्राह्य एव श्रुत्या, उन पर ही श्रुति सोचती बड़ी इनकी भी कृपा कर दूं ताकि ये भी किसी न किसी तरह से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। इति मत्वा वित्थान आदि आश्रमांतर विधानम नानुपपन्नम, इसे वित्थान जो आश्रमांतर का विधान किया है वो अनुपपन्न भी नहीं है, व्यवस्था हो गई। फिर सिद्धांति शंका कर रहा है पारिव्राज्य क्रम विधानस्य अनवकाशत्वम्, फिर क्रम का क्यों विधान किया,
विकल्प दिया ना, ब्रह्मचर्याद गृहाद वनाद करके ले गया, ब्रह्मचाराद गृह भूतवा गृह गृहाद वनी भूतवा वनी वनाद जो है परिव्रजित, अतः विकल्प भी है गृहाद्वा ब्रह्मचर्याद्वा वनाद्वा, ये भी आया। ये सब कैसे व्यवस्था होगा? यदि आप एक कहते काणा कुब्जा इत्यादि जो अनधिकृत कर्मों में उनको ये संन्यास है, वो तो ग्रस्त में भी अनधिकृत नहीं है। कैसे ग्रहत्वा कैसे कर दिया, ब्रह्मचर्यात्वा कह दिया, कैसे कर दिया? ब्रह्मचर्याश्रम वो जगह जो वेद पढ़ेगा वही तो ब्रह्मचर्याश्रम में रहेगा, और उसको वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं लंगड़े काने कुब्जे को, फिर कैसे ब्रह्मचर्याश्रम में जाएगा, वहां से कैसे सन्यास में आ जाएगा वो? इनमें तो कोई आश्रम का अधिकार ही नहीं, एक ही सन्यास आश्रम का अधिकार आपके अनुसार होना चाहिए। आपके अनुसार यदि काणे कुब्जों के वित्थान पक्ष ले लोगे सन्यास अधिकार, इनको एक आश्रम ही हो जाएंगे, ये अन्य आश्रम प्राप्त ही नहीं है, तो उनका विकल्प क्यों कथन किया, क्रम का क्यों कथन किया? क्रम और विकल्प का कथन से ज्ञापन होता है ये काणे कुब्जों का विषय नहीं है, ये कर्माधिकारी का ही विषय। तब पूर्व पक्षी जवाब कहते महाराज आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मान लो कोई गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम में कहीं भी रह रहा है, त्रैवर्णिक है, योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन बीच उसको संन्यास लेने की इच्छा हो गई उस विधियों के कारण से, तभी ऐसा नहीं ले सकता। क्या कर्मकांड करेगा? विश्वजित सर्वमेधयो यावज्जीव विधि अपवादत्वात्, यावज्जीव का विधि का अपवाद भी तक कर्मकांड करनी पड़ेगी उसको। कर्मकांड कौन है वो? विश्वजित याग है और सर्वमेध याग है। ये दो याग ऐसे हैं जिसमें आप सब कुछ दान देते शरीर को छोड़कर, अपना शरीर को छोड़ करके सारे चीज दान में दीजिए, पत्नी बच्चे बच्चे जो भी है तुम्हारा स्वत्व, राज्य हो कुछ भी, चाहे राजा है सम्राट है, सारा चीज दान में दे देना, सर्वस्व दक्षिणा है। अब उसके बाद उसके कर्म के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या करेगा? संन्यास लेगा ना। पूर्व पक्षी कहता है जो व्यक्ति यावजीव अग्निहोत्र आदि कर रहा है, करते उसके मन में आ गया विश्वजित याग कर देगा, वो यावजीव कर्म का अपवाद होता विश्वजित याग करेगा, यह सर्वमेध याग करके सब दान में कर दे खत्म कर देगा। जब सब खत्म करेगा कल हवन कहां से करेगा? उसके लिए कुछ है नहीं। जब हवन करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया उसके पास, ऐसे एकदम दरिद्र हो जाए वो, सब त्याग करके छोड़ छाड़ करके, वही सन्यास का अधिकार। आजकल जितने दरिद्र है सब सन्यास के अधिकारी हो जाएंगे, भले वो सर्वमेध याग किए है नहीं किया, मान लेंगे पिछले जन्म किए थे इसे तो ऐसे जन्म हो गया है। अब हमारे यहाँ वेदांत दर्शन सर दर्शन हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो विशेषता है, कोई चीज की बात उठती है तो पिछले जन्म किया था, बात खत्म। ये तो बहाना मिल जाता है, जितने प्रवृत्ति परायण सन्यासी लोग हैं उनका यही कहना है पिछले जन्म जीवन मुक्त हो चुके थे ना, पिछले जन्म में हम जीवन मुक्त हो चुके हैं, अब कुछ करना तो ही नहीं, अब से खाओ पियो मौज करो पुछबा लो, इसलिए तो जन्म हुआ है। सीधी सी बात ये अनुकूल है सभी के लिए, रामबाण है। कोई भी रोग हो कोई भी शंका हो एक ही बात पूर्व जन्म हो गया खत्म। ज्यादा पूछेगा तो तुमको खाने पीने का नहीं है, जल रहे हैं। नहीं नहीं वो भी नहीं बोलना है, बोलते हैं लेकिन वो बोलने की जरूरत नहीं है, उससे भी ज्यादा जवाब उसके और भी तगड़ा दिया जा सकता है ना, भाई आप जल रहे हैं इसके कारण ये है पिछले जन्म जीवन मुक्त नहीं थे, बात खत्म, सौ नीचे करो, इसलिए हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे चेड़ा हो, हम उपदेश दें तुम सुनो बैठ करके और हमारी सेवा करो, इस जन्म जीवन मुक्त हो जाओगे, अगले जन्म तुम मंडलेश्वर बन जाओगे, खुश रहो। तुम्हें को संन्यास अधिकार मानना चाहिए ना। तो पूर्व पक्षी कहता है जो विश्वजित याग कर लिया स्वर्मेध याग कर लिया जो यावज्जीव कर्मों का अपवाद होता है वो उनको करने वाला जो व्यक्ति वही सन्यास का अधिकारी होता है। चलो काणे कुब्ज को हटा दिया उसने, या क्यों नहीं तो क्रम और विकल्प श्रुतियां जो सन्यास का क्रम और विकल्प श्रुतियां बाधित हो जाएंगी, उसके भय से उसको संकोच और बदलना पड़ा सिद्धांत को, काणे कुब्जों का अधिकार नहीं है, इसमें मतगर किसको मानूंगा जो विश्वजित याग कर दिया स्वर्मेध याग कर दिया उन्हीं को सन्यास में अधिकार मानता है। व्याख्या कर रहे स्वयं देखिए, यावत जीवाग्निहोत्रादि विधेय है विश्व स्वर्मेध योर एव अपवादः,
यावच्च अग्निहोत्र आदि जो विधियां हैं उनका अपवाद विशिष्ट सर्वेद रूपा यही दो याग होते हैं। तथा जो क्रम प्रतिपत्ति संभव, और वहां पर क्रम प्रतिपत्ति संभव है कि व्यक्ति पहले ब्रह्मचारी आश्रम में गया, फिर गृहस्थ आश्रम में आया, गृहस्थ आश्रम में आने के बाद कर्म अग्निहोत्र आदि कर रहा था, करते करते उसके मन में आ गया त्यागने की, उसने विषय में त्याग कर दिया, आश्रम में त्याग कर दिया, विषय त्याग कर दिया, फिर उसके बाद उसमें संन्यास हो जाएगा, क्रम बनी गया ना, कोई दिक्कत है नहीं क्रम में। उसके लिए भी जवाब देगा गृही गृहाद वनी भूतता प्रव्रजे, इसलिए बन जाता है ब्रह्मचर्य समापे समाप्य गृह भवेद गृहाद वनी भूतवा प्रव्रजे, एक क्रम उसे फिट हो विरोधानुपपत्ति है और कोई विरोध नहीं हो सकता इसमें। क्यों नहीं एवं विषयत्व पारिव्राज्य क्रम विधान वाक्य से कश्चित विरोध क्रम प्रतिपत्ति है, और एतारिश विषय वाला व्यक्ति का ही यह वाक्य विषय मान लूंगा तो पारिव्राज्य क्रम का जो विधान वाक्य का किसी के साथ कोई विरोध नहीं होता है और क्रम भी संपन्न हो गया। अभी विकल्प का बाद उठा रहा है, अभी तक क्रम के जवाब दे रहा है, क्रम प्रतिपत्ति है। अन्य विषयत्व परिकल्पनायां दो यावच्च विधान श्रुति स्व विषयात् संकोचिता स्यात्, और यदि आप उल्टा करने लगोगे अन्य विषय पर कल्पना करोगे अग्निहोत्री मंत्रों को, फिर तुम यावच्च विधान श्रुति या वो अपने विषय संकोचित करनी पड़ जाएगी, वो अनुचित है। कर्म प्रतिपत्ति तो विशिष्ट सर्वमेद विषयत्वात् न कश्चित विरोध, कर्म प्रतिपत्ति जो है विशिष्ट सर्वमेद विषय का होने से कोई विरोध नहीं है, ऐसा व्यवस्था पूर्व पक्ष ने दे दिया। कहते हैं भाई ठीक है, लेकिन अब आपसे हम दूसरे सवाल पूछते हैं। यह सिद्धांति को उन्होंने एक टुकड़ा अलग कर दिया, उस पैराग्राफ में जोड़ दिया, वो गलत है, ये पूर्व पैराग्राफ में आना चाहिए था। नात्व ज्ञान से अमृतत्व हेतु तद्गमान यत्तावद आत्महत्य उपासित आरभ्य शेष नित्य, पूर्व ये सब सिद्धांति बोल रहा है भवता तक, न से भवता तक पूरी सिद्धांति है यहाँ, लेकिन कहीं भी रखो लेकिन एक तरफ बना दो ताकि सुविधा हो जाए आपको समझ में, ये पूरा सिद्धांति बोल रहा है। यह दो विकल्प उठाया सिद्धांति ने, ठीक है आपने कहा सर्वमेद याग करके संन्यास लेगा, लेकिन सर्वमेद याग करके जो संन्यास लेगा वो ज्ञान पूर्वक लेगा कि अज्ञान पूर्वक लेगा। ज्ञाने सति कर्म त्यागो सत्यम जिज्ञासा एवं कर्म त्याग, दो पक्ष ज्ञान है लेकिन जिज्ञासा है ज्ञान की, ज्ञान होने के बाद एकदर्श कर्म त्याग की बात कह रहे हो, या ज्ञान की इच्छा हुई इसलिए वो कर्म त्याग करके संन्यास जा रहा है, क्या तुम कहना चाहते हो? ज्ञानोत्तर कर्म त्याग का प्रश्न ही खत्म है कि ज्ञान से अमृत प्राप्त कर ही लिया और कर्म का त्यागना न त्यागना सब बराबर ही हो गया, पहला पक्ष खंडन करते हैं। न आत्मज्ञान से अमृत हेतु तपिगमान चेत न, ऐसा समझ लेना कश्चित न विरोध, ऐसे जब कहता है चेत न विरोध है, कैसे कहते विरोध नहीं है, यदि कहते हो आत्मज्ञान के पश्चात कर्मकांड करते 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 उसको कर्म से ही आत्मज्ञान हो गया और आत्मज्ञान के बाद कर्म त्याग करेगा संन्यास लेगा, ये बिल्कुल असंभव है, इसे कहते हैं न विरोध नहीं है, समत का विरोध है कि आत्मज्ञान से अमृतत्व मात, जो आत्मज्ञान है वो अमृतत्व का साधने बात कहा गया है, उसके साथ विरोध हो जाएगा। और दूसरा को जिज्ञासा में तब भी नहीं होगा, ये तावद आत्मत्युपासित आरभ्य शेष नीति नीति तेन ग्रंथे न आत्मत्युपासित 147 है, वहां से आरंभ करके शेष नीति नीति से 4, 5, 15 तक प्रथम अध्याय शेष द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय चौथे अध्याय का पंचम ब्राह्मण के 15वें मंत्र तक जब भी आपने पढ़ा है जो मैत्री ब्राह्मण में बृहदारण्यक में आया था, अंतवा प्रथम अध्याय 147 वहां से शुरू होता है, हमने पहले भी कई बार 147 और 110 और यहाँ 4, 4, 22 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो 147 से आरंभ होता है 4, 5, 15 में प्रकरण समाप्त हो जाता है, पूरा एक प्रकरण है आत्मविद्या, अलग अलग अध्याय है, संवाद अलग अलग प्रकार की है, उसे बता दिया था पहले में आगम रूपा साधन है, द्वितीय अध्याय में आगम रूपा साधन है, तीसरे अध्याय में तर्क है, चौथे अध्याय में वाद है, और उपसंहार में फिर आगम आकर के उपक्रम उपसंहार एक रूपा देते हुए उपक्रम उपसंहार एक रूपता प्रदान करता हुआ वाक्यार्थ निर्णय किया गया है। शेष नेति नीति तेन ग्रंथे न यद उपसंहृतम आत्मज्ञानम तद अमृतत्व साधन उपगतम भवता, वो अमृतत्व का साधन है ये आपके द्वारा भी स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका और कोई अर्थ ही नहीं हो सकता। हम मैत्री पूछे ही क्या है, जो अमृतत्व का साधन आप जानते हो वो बताइए, ये तो पूछिए,
और जो जवाब दिया गया उसको आपको मानना पड़ेगा, वो सारी चीजें अमृतत्व का साधन है। जवाब क्या था? ज्ञान था। इसलिए आत्मज्ञान ही अमृतत्व का साधन है और कर्मादि नहीं है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। तो पूर्व पक्षी कहता है ठीक कहते हो, कोई संशय नहीं है। वो विद्या सूत्र शुरू कहते हैं आत्मा उपासित को विद्या सूत्र कहा गया था वहां पर भी, और शेष नीति नीति निषेध निषेध सूत्र है। विद्या सूत्र से लेकर निषेध सूत्र पर्यंत एक प्रकरण माना गया। तत्र एतावत् एव अमृतत्व साधनम् अन्य निरपेक्षम् इति तत् न मृष्यते। पूर्व पक्ष कहता है ज्ञान अमृतत्व का साधन है, लेकिन ज्ञान मात्र ही है। ये कौन बोला? कर्म के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, कर्म सहित ज्ञान से मोक्ष होता है, ये हमारा इष्ट है बोलता है। वो स्वीकार कर ले वेदांत को, और केवल वेदांत से लेकर मोक्ष नहीं होता, ऐसे केवल उसके लिए संन्यास लेने से काम चलेगा नहीं, कर्मकांड करनी पड़ेगी। फिर ज्ञान की इच्छा से संन्यास लो और इस ज्ञान को पाओ तब मोक्ष। इसलिए कहता है तत्र उस प्रकरण में हम यह बात को नहीं मानेंगे, तत् न मृष्यते, हम यह बात को स्वीकार नहीं करते, सहन नहीं कर सकते। क्या? एतावत् एव माने आत्मज्ञानम् एव अमृत साधनम् अन्य निरपेक्षम्, कर्मादि निरपेक्ष जो है आत्मज्ञान ही अमृत साधन है, यह बात हमें स्वीकार नहीं है। अमृतत्व का साधन ज्ञान है, यह स्वीकार है, लेकिन केवल ज्ञान साधन है, यह बात हमें स्वीकार नहीं। तब पूछते हैं भाष्यकार सिद्धांत तथा भवंतम पृच्छा किमर्थम आत्मज्ञान मर्षेति भवान, अरे आपको आत्मज्ञान से क्यों द्वेष हो रखा है, बताओ क्यों चिड़े हुए हो इससे, क्या करें? ये तो कर्मकांड को उखाड़ दे फेंकने में लगा रखा है, और हम कर्मकांड बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए हमको इसे चढ़न है। श्रृणुतत्व कारण पूर्व पक्षी, अरे सुनिए इसमें कारण, मैं क्यों चिढ़ता हूं इस आत्मज्ञान से, ये बात सुन लो। क्या है वो? यथा स्वर्ग कामस्य स्वर्ग प्राप्ति उपाय मा जानत अग्निहोत्र स्वर्ग प्राप्ति साधन ज्ञापयति, जैसे अग्निहोत्र में जो स्वर्ग काम मंत्र है वो क्या है? आदमी स्वर्ग को चाहता है लेकिन उसका साधन नहीं जानता, वो साधन मात्र का बोधक है। तद्वत ये भी समझो अमृत तो सभी चाहते मोक्ष, उसका साधन कोई नहीं जानता है, इसलिए बात बता दिया अमृत, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सर्वनिरपेक्ष है। क्या जैसे अग्निहोत्र सर्वनिरपेक्ष नहीं होता, अनेकों साधन है वहां पर जुड़ते हैं, सब जोड़ झाड़ करके इति कर्तव्य ताकि माध्यम से प्राप्त सकल कर्मकांड करते हुए आप अग्निहोत्र संपादन करोगे, तो सर्व यहां पर भी मानो। इसे दृष्टांत उठाया यथा स्वर्ग कामस्य स्वर्ग प्राप्ति उपाय मा जानत, स्वर्ग के प्राप्ति के उपाय को न जानता हुआ कोई व्यक्ति है जो स्वर्ग को चाह रहा है, प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति को अग्निहोत्र आदि ही स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है, ऐसे ज्ञापन कौन कर रहा है? अग्निहोत्र में स्वर्ग काम इत्यादि मंत्र। यथा तथा यहां पे अमृतत्व प्रतिपित्सो हो अमृतत्व प्राप्ति उपाय मा जानतो, अमृतत्व प्राप्ति के उपाय को नहीं जानता लेकिन अमृतत्व को प्राप्त जरूर करना चाहता है, यदेव भगवान वेद तदेव मैं ब्रूहित्यवम आकांक्षितम, वही अज्ञान न जानने के बाद को ही मैत्रेय के इन शब्दों से प्रकट किया गया। यदेव भगवान वेद जो उस अमृतत्व के साधन के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं तदेव मे ब्रूही, ऐसे आकांक्षित है अमृतत्व साधन। उसी के जवाब में अंत में क्या बोला? एतव दरे इत्येवम माधव वेदेन ज्ञाप्यते, इसलिए वहां पर भी साधन को ज्ञापन मात्र किया और सर्व निरपेक्षता को सिद्ध नहीं कर सकते। तब सिद्धांति कहता है एवं तर यथा ज्ञापितम अग्निहोत्र स्वर्ग साधन अभिगम्यते तथा यहाँ पे आत्मज्ञानम, इसका मतलब यह हुआ जिस प्रकार से श्रुति ने स्वर्ग का साधन पर अग्निहोत्र आदि का ज्ञापन किया है उसी प्रकार से अमृतत्व का साधन रूपेण आत्मज्ञान को ज्ञापन किया है, ठीक है, मना कहां कर रहा हूं बोलेगा पूर्व पक्ष। सुनो फंसोगे स्वीकार करोगे तो यथा ज्ञाप्यते तथा भूतम एवं अमृतत्व साधनम आत्मज्ञान अभिगंतुम युक्तम, जिस प्रकार से ज्ञापन कर रही श्रुति उसी प्रकार आपको अस्वीकार करोगे या नहीं स्वीकार करोगे?
हाँ बिल्कुल उसी प्रकार स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करोगे, ध्यान देना प्रतिज्ञा करने से पहले, उसी प्रकार स्वीकार करोगे तो फिर फंस जाओगे। नहीं फंसूंगा, आप बोलो तो किस प्रकार है सुनो। फिर अमृत साधनम आत्मज्ञानम अभ्युगंतम युक्तम, अमृतत्व का साधन आत्मज्ञान, जिस प्रकार का आत्मज्ञान वर्णन हुआ है, यथाभूतम एव आत्मज्ञानम, किस प्रकार का सर्वकर्म निरपेक्ष, फंसेगा कि नहीं फंसेगा, इसे जाल में फंसा रहे इसको धीरे धीरे भाष्यकार के। देखो आप यदि मानते हो कि जिस प्रकार से स्वर्ग का साधन अग्निहोत्र का ज्ञापन हुआ श्रुति में, उसी प्रकार से अमृतत्व का साधन आत्मज्ञान से ज्ञापन हुआ है, ये मानते हो ना? हाँ मानता हूं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा जिस प्रकार का अग्निहोत्र को स्वर्ग का साधन माना गया, इति कर्तव्यता विशिष्ट। एक तो बात है केवल अग्निहोत्र का साधन मान लिया, लेकिन किस प्रकार का नहीं माना, अपनी मनमर्जी हो जाए तो गड़बड़ है। तब आप कहोगे इति कर्ता से विशिष्ट, किम केन कथम, इन तीनों प्रकार से विशिष्ट कर्म कांड ही स्वर्ग का साधन है। ईश्वर मैं भी कहूंगा अमृतत्व का साधन कौन है, किम केन कथम विशिष्ट आत्मज्ञान, मानी यादृश आत्मज्ञान को कहा गया है तारश आत्मज्ञान को ही अब अमृतत्व का साधन मानना पड़ेगा। तो पूर्वपक्ष क्यों तुल्य प्रामाण्य उभयत्र, कि दोनों ही वेद है, ये विवेद विवेद तुल्य प्रमाण, यदि एवं किन से आप बीच में चढ़ के बोने लगाओ, अरे ऐसा हो तो क्या पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक ही तो है। अरे महाराज सर्व कर्म हेतु मर्दक आत्मज्ञान से विद्या होते हुए कर्म निवृत्ति से समस्या ये होगी कि आप बिगड़ेगा पूछ रहे हो तो सुनो, आत्मज्ञान का उदय होने के पश्चात तत्काल ही सर्व कर्म का जो कारण है क्या अविद्या ज्ञान, उसी का नाश हो जाता है। जड़ी उखड़ गया तुम्हारा कर्म कांड का टिकेगा, खत्म हो जाएगी मामला। आत्मज्ञान से विद्या उद्भवे, आत्मज्ञान का संबंधी ब्रह्म विद्या का उद्भव होने पर सर्व कर्म हेतु का उपमर्दन हो जाने के कारण से कर्म निवृत्ति स्या, कैसे कर्म निवृत्त हो जाएगा, अरे आप तो जिंदे रहोगे ना, आप जिंदे रहो तो कर्म करो, आत्मज्ञान होने के बाद अमृतत्व प्राप्त भी कर लो, करने के बाद भी आप जिंदे रहते हैं ना, तो फिर कर्मकांड कीजिए। कहते भाई जिंदा रहने से क्या फायदा, जिंदा रहना नरना मरना बराबर हो गया वहां, क्योंकि वो होने के बाद ना हमारी कोई पत्नी रह गई, ना कोई अग्निहोत्र रह जाता है, कुछ भी नहीं रह गया। दारा अग्नि संबद्धा नाम तब अग्निहोत्र अधिकर्म नाम भेद बुद्धि विशेष संप्रदान कारक साध्यत्वम, कि कर्मकांड भेद बुद्धि साध्य है और आत्मज्ञान से अभेद बुद्धि हो गया है, अब प्रश्न ही नहीं कर्म करने का। दारा यानी पत्नी, अग्नि इत्यादि पदार्थ से संबद्ध है अग्निहोत्र आदि कर्म, अतएव इन कर्मों के अंदर क्या विशेषता है, वह भेद बुद्धि विषय है, संप्रदान विषय है और अन्य भी अनेकों कारकों के द्वारा साध्य। वह भेद है ना, भेद विषय क्यों है, क्योंकि संप्रदान भेद विषय संप्रदान वहां पर है, कोई देवता है वो अग्नि के लिए अग्नेय स्वाहा इंद्राय स्वाहा बोलना पड़ेगा, वह अपने से भिन्न दूसरे को मानना पड़ेगा, भेद विषय का संप्रदान है, भेद बुद्धि जन्य संप्रदान है, और केवल संप्रदान ही नहीं अन्य और भी अनेकों कारक है, जू से ही करो, यहीं कोई भी लकड़ी डालो स्वाहा कर दो, पत्तों से डाल दो, हाथों से डाल दो, ऐसा तो नहीं है। जिस कर्म में जहां जैसा विधि है उस विधि के अनुसार अन्य अनेक साधन कारकों को लेकर के करना पड़ता है, और यहां अन्य बुद्धि परिच्छेद्याम ही अग्नियादि देवताम संप्रदान कारक भूताम अंतरेण नहीं तत्कर्म निर्वर्त्यते, क्योंकि वह अग्निहोत्रादि कर्म की सिद्धि ही नहीं होगी, स्वरूप ही नहीं सिद्ध होगा इनके बिना, भेद बुद्धि परिच्छेद्याम अग्नियादि देवताम, भेद बुद्धि से परिच्छेद्य मैं अलग हूं और मेरे से भिन्न ये अग्नि इंद्रादि देवता हैं, इस प्रकार के भेद बुद्धि से परिच्छेद इन वस्तुओं को माने बिना संप्रदान कारक भूताम, संप्रदान एवं अन्य कारक रूपा संप्रदानात्मक कारक भूता इनको माने बिना अंतरेण नहीं तद कर्म निर्वर्तित है, कर्म का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता।
ययाहि संप्रदान कारक बुद्धि संप्रदान कारकं कर्म साधन उपादिश्यते सायह विद्या निवर्त्यते। यया अविद्या, जिस अविद्या को लेकर के, कैसी अविद्या है, संप्रदान आदि कारक बुद्धि को पैदा करने वाली अविद्या है, जिसके द्वारा आप संप्रदान आदि कारकों को लेकर के, कर्म के साधनों को लेकर के, कर्म के स्वरूप को सिद्ध करते हो और कर्म के स्वरूप का उपदेश किया गया है, सा यह वह अविद्या यहाँ पर इस आत्मज्ञान उत्पत्ति क्षण में विद्या ब्रह्म विद्या के द्वारा निवर्त्यते। अन्यो असौ अन्यो हम अस्मीति न सवेद इत्यादि प्रमाण है। देवाहतम बरादुर यो अन्यत्र आत्मन देवान वेद मृत्यु से मृत्यु आपनोति यही अन्ना नैव पश्यति एक दैव अनुद्रष्टव्यम सर्वमात्मानं पश्यति इत्यादि श्रुति शतेभ्यः। सैकड़ों श्रुति प्रमाण मिलेगा आपको कि जहां पर अद्वैत का कथन करता है अभेद बुद्धि है, जो भेद बुद्धि का वारण करने वाला, निवृत्त करने वाला, मिटा देना, विनाश कर देने वाला ऐसे ब्रह्म विद्या जन्य अभेद बुद्धि है, अतव कर्म कर नहीं सकेगा। न चे देवलोका निमित्ताद्य अपेक्षत्वम। और दूसरी बात, आत्मज्ञान को किसी चीज की अपेक्षा नहीं। भारत का तन निरपेक्ष कैसे हो सकता है, हम आपको बता रहे हैं कि आत्मज्ञान देश काल देवता आदि किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं रखता। ये स्वरूप ही है, वहां निमित्त क्या जरूरत है। इस स्वरूप से अलग कोई चीज होता है तो उसमें देश काल परिस्थिति सब देखनी पड़ेगी, है ना। जो अपने से भिन्न होता है उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा भाई हम जाए ना जाए, कब जाए तो ठीक रहेगा। जैसे अमरनाथ बाबा के पास पहुंचना है तो अमरनाथ कैसे जाओ, जनवरी में जाओ तो जाओगे, वहां पे नहीं जा सकते, बंद सब। अब वो इसी समय होगा, श्रावण में ही खोलेगा, पट खुलने का तारीख है ना। तो यहां भी चारधाम का भी यही हाल, मैंने स्वभिन्न किसी भी चीज के साथ आप दर्शन करना चाहो, स्पर्श करना चाहो, अभेद भाव को प्राप्त करना चाहो, कुछ भी करना चाहोगे, उपासना करना चाहोगे, वहां देश काल से परिच्छेद होना ही पड़ेगा। लेकिन स्वरूप बोध के लिए देश काल परिच्छेद से परे होना पड़ेगा। वही कहते हैं देश काल निमित्तादि अपेक्षत्वम न, किसमें, आत्मज्ञान। क्यों, व्यवस्थित आत्मवस्तु विषयता आत्मज्ञान से, क्योंकि आत्मज्ञान कैसा है, व्यवस्थित है वो, व्यवस्थित जो आत्मा। व्यवस्थित आत्मा का मतलब क्या, इतर निरपेक्ष कूटस्थ नित्य आत्मवस्तु को यहां पर व्यवस्थित आत्मवस्तु कह रहे हैं। तद विषय के आत्मज्ञान होने के कारण क्रियायास्थ पुरुष तंत्रत्वात् स्याद देश काल निमित्त अध्यपेक्षत्व। क्रिया में तो ये बात है क्योंकि पुरुष की अधीन है, ज्ञान पुरुषाधीन नहीं होता, वस्तुतंत्र है ना। इसलिए क्रियायास्तु पुरुष तंत्रत्वात् स्याद देश कालादि निमित्त अपेक्षम, वहां देश काल आदि अनेक निमित्तों की अपेक्षा अवश्य करना पड़ेगा आपको। ज्ञान तो वस्तुतंत्रत्वात् न देश काल निमित्त अध्यपेक्षता है, और ज्ञान तो वस्तु अधीन होने के नाते देश काल निमित्त की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करता। यथा अग्निरुष्ण आकाश अमूर्त थी तथा आत्मविज्ञान अपनी, जैसे अग्निरुष्ण है आकाश अमूर्त है इत्यादि, वैसे आत्मा के बारे में भी मैं अपना मैं ब्रह्म हूं ये दर्श ज्ञान के लिए भी किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होता। यहां ये शंका है कि पूर्व पक्ष ये सब क्यों बता रहे हैं, फिर शुचौ देशे प्रतिष्ठा आपने सब क्यों बोला, उसी का जवाब दे रहे। वो केवल आपके मनादि को ठीक करने के लिए है, ज्ञान उत्पत्ति करने के लिए नहीं। जैसे प्रकाश चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए रूप ज्ञान के लिए ना, लेकिन ये सब निमित्त वास्तव में रूप ज्ञान उत्पत्ति में काम नहीं आते, आवरण भंग में काम आता। वेदांत सिद्धांत में ये रूप ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते हैं, ये केवल क्या करेंगे, वृत्ति को यहां से जाकर के उस वस्तु, जिस वस्तु का ज्ञान होने वाला है उस वस्तु का आवरण को भंग करता है बस। बाल ज्ञान वो तो स्वतः हो जाता है, क्यों, घटावचिन में चैतन्य नहीं गया, घटावचिन चैतन्य है वो चैतन्य स्वयं प्रकाश कर देगा। वो घटावचिन चैतन्य को एक आवरण हो गया ज्ञान का, वो आवरण के कारण से हमें घट का प्रकाश नहीं हो रहा था,
और ये सारे जो बाह्य प्रकाश है, टॉर्च होगा, जूच भी होगा, आगे आंखों का खुलना जाना, वृत्ति दे, ये सारी चीजें केवल आर्ण भंग के काम में आता है। बाद वस्तु है, वस्तु चैतन्य है, तीनों चैतन्य अभेद हो गया, वो चैतन्य का अभेद होना ही के लिए सारी प्रक्रिया है। केवल प्रमाणावचन चेतन, प्रमेयावचन चेतन, प्रमात्रवचन चेतन, इन तीनों वचन चेतन होंगे, एकीकरण होने के लिए सारी प्रक्रिया अपनाई गई है, केवल ज्ञान के लिए नहीं। ये जो भेदक है, भेदक कौन था? अविद्या, अज्ञान। वो आवरण भूता जो अज्ञान ही हमारे और उस विषय चैतन्य और प्रमात्र चेतन के बीच में भेदक, और भेदक का भंग हो जाने से क्या हो गया? अभेद हो गया, अज्ञान हो जाएगा। इसे ज्ञानोत्पत्ति के लिए किसी बाह्य वस्तु का भी ज्ञानोत्पत्ति में हमें किसी की अपेक्षा नहीं है। बात ये इतनी जल्दी पचती नहीं है, यद्यपि लोगों को यहां आकर के कई लोग अटक जाते हैं, वस्तु तंत्र कैसे है, घट था तो क्यों ही नहीं ज्ञान हुआ था, हमको आंख खोलना पड़ा, देखना पड़ा, घट अपने आप ज्ञान नहीं कराया मेरे को। यदि वस्तु तंत्र है तो वस्तु रख दो, ज्ञान हो जाए, हम आंख बंद करके बैठे, अब ला के रख दीजिए लड्डू, ज्ञान हो जाए मेरे को, क्यों नहीं होता? वस्तु तो है ना, आप भी है, वस्तु भी है, आंख खोलने की जरूरत क्या? लोग ऐसे तर्क करते हैं क्योंकि वाक्यार्थ को समझते नहीं। ज्ञानस्य वस्तुतंत्रत्वात् का तात्पर्य है, ज्ञानम तो वस्तुतंत्रत्वात् का तात्पर्य है, ज्ञान का प्रकाशन करने में किसी की अपेक्षा नहीं होती। और ज्ञान कैसे वहां पर प्रकाशित हो जाए, घटक ज्ञान कैसे प्रकाशित होता है, वो प्रकाशन के पीछे जो जो बाधक है उन बाधकों का निवारण के लिए सारी प्रक्रिया है। ये बात जब ग्रहण कर लोगे फिर समस्या नहीं है, ये वाक्य समझ में आ जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, ज्ञान उत्पन्न होने वाला वस्तु मान रखे ना, नित्य मानते नहीं, इसलिए उनके यहां समस्या होती समझने में। यदि ज्ञान उत्पन्न होने वाला वस्तु होता तब तो आपको उत्पन्न करना पड़ेगा, उत्पत्ति करने के लिए सकल कारक साध्य है, देश काल निमित्त अपेक्षा हो। लेकिन ज्ञान तो नित्य वस्तु है, उत्पन्न होने वाला वस्तु है ही नहीं। जिस ज्ञान में जो घटादि कल्पित है वह ज्ञान ही उस घट को प्रकाशित कर देता है, जब तब हम कहते हमको घटक ज्ञान हो गया, ऐसा व्यवहार करते हैं। ये तो औपचारिक व्यवहार मात्र ही है। ये औपचारिक व्यवहार भी क्यों हुआ? खुद के अज्ञान के कारण से। अब तक अज्ञान रूपी आवरण के कारण से हम उस घट को प्रकाशित नहीं कर पा लिए थे, और अज्ञान रूपी आवरण का भंग होने के तत्काल ही आपका अनुभूति हो गई, तो आपने कहा घट ज्ञान उत्पन्न हो गया, ये व्यवहार करते। वास्तव में ऐसा नहीं, ये तो औपचारिक है। इसलिए कहते हैं सारी व्यवहार जो हम कर रहे हैं देश काल निमित्त की अपेक्षा जो करते हैं। अब ये पहले बच्चा के दर्शन कर लो, अरे कैसे भाई, 9 महीना हुआ अभी बाहर आएगा तब ना, वस्तु है पहले कर लो, लड़का लड़की देख लो, तो कहां से देखोगे, पैदा होने के बाद ही इंतजार करना पड़ेगा, काल निमित्त है, वहां पर इंतजार करो, 9 महीने होगा तब बादशाह आएगा, तब देखा जाएगा। तो देश काल निमित्त लगता है वस्तु ज्ञान में कारण, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वहां भी आवरण ही दोष है। सर्वत्र जहां देश निमित्त मानो चाहे काल निमित्त मानो चाहे अन्य कारकों को निमित्त मानते हो, जो भी निमित्त मान रहे हो वो आवरण भंग मात्र के प्रति निमित्त है, ज्ञान के प्रति नहीं। इसे कहते हो ज्ञानम तो वस्तुतंत्रत्वात् न देश काल निमित्त अत्यपक्ष रहे, यथा अग्निष्ट आकाश वर्तित आत्मज्ञानम अपी।